इस ग्राफ को देखो, पिछले 6 महीने में हमने कितनी ग्रोथ की। हमने 4 डेट पे हग किया था, 9 डेट पर किस, 16 डेट पर कडल, एंड इसके अकॉर्डिंगली हमें 25th डेट तक कर लेना चाहिए था। पर मान लो थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे हो गया होगा, हो जाता है, तो 26th डेट पे, 27th डेट पे, बट नो, ये हमारी 28th डेट है और वी हैवंट डन इट येट। प्रॉब्लम कहाँ है? नो एक्चुअली अब ये मत बोलना, इट्स नॉट यू इट्स मी। या बिकॉज इट्स यू मी। देख विशेष, आई नो कि तूने मार्केटिंग में पिछले 5 साल में काफी ग्रोथ करी है, बट अब तेरा करियर डेडलॉक पे है। व्हाट डू यू नो अबाउट मार्केटिंग? नथिंग, बट इतना पता है कि ये पीपीटी बनाने वाले करियर का टाइम गया। यू हैव टू डू समथिंग सॉलिड नाउ। आई मीन अब कॉर्पोरेट्स में भी सर्वाइव करने के लिए कुछ असली काम करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट्स में कुछ भी असली नहीं होता, सब हवा में होता है। लोग तुक्के मारते हैं एंड वो लग जाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इंट्यूशन। एंड बेबी, इंट्यूशन का मुकाबला कौन करेगा? हैव यू हर्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड डेटा साइंस? परिणति चोपड़ा की तरह 5 साल पहले तक मार्केटिंग करियर में भी काफ़ी स्कोप था, और सही समय पर सही जगह होने का फ़ायदा तो सभी को मिलता है। एक बिना कंपार्टमेंट वाला क्यूबिकल, एक EMI पे उठाई हुई कार, एक रेंटेड 2 BHK फ्लैट और उसी के साथ एक फ्लैटमेट जो इसी कंपनी में काम करता है। भाई मुझे भी नौकरी से निकाल रहे हैं। था मेरी यार किसी डेटा साइंटिस्ट को हायर कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, ये डेटा साइंटिस्ट ना गौ रक्षक है। तुमको लग रहा है गाय ही तो बचा रहे, पर कल को इनकी सरकार आ जाएगी और फिर तुम्हें लगेगा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, और अच्छे दिन आएंगे इनके, और तुम राहुल गांधी की तरह वुमन एम्पावर करते रह जाओ। और तू? मैं तो केजरीवाल हूँ, जा रहा हूँ, पर भाई तू संभल कर रही हो। अच्छा ये तो बता दे, हमारी टीम में तेरी जगह कौन रहा है और तू फ्लैट कब तक खाली कर रहा है? अगर कर रहा है तो सब कहते हैं कंपनी में सिर्फ 2 ही तरह के लोग बचे हैं, एक तो डेटा साइंटिस्ट और दूसरे जो फायर होने वाले हैं। मे बी डेटा साइंस इज द न्यू सेक्सी। सो मान्या, दिस इज योर लास्ट एंड फाइनल HR राउंड। टेल मी, व्हाई शुड वी हायर यू? Cause I'm a data scientist. And? And you need one? Congratulations, you're hired. Thanks. Any questions? No. Should I have any questions? Yes. Like your work, salary, department, leave? Oh, all that. Yes, yes. Any questions now? No. Why? I've written it in my application. Huh. My salary should be equal to my data science colleagues. I don't care which department I'm being placed in, okay? I know my work very well and I don't take leaves. And one more thing. I don't like to talk to the HR. Well, good luck then. One thing. Shoot. How can I rent a flat nearby? Smooth. और विशेष जी, आपको बॉस बुला रहे हैं, आप गए नहीं? पर मुझे तो किसी ने नहीं बताया। क्या विशेष जी, कहाँ रहता है आपका ध्यान? बता तो रहा हूँ मैं अभी।
नहीं नहीं आधा घंटा पहले मैं शौचालय चला गया तो बताना भूल गया। आधा घंटा वैसे क्यों? मैं कल जब ऑफिस से घर जा रहा था तो मेरी साइकिल के नीचे बकरी आके दब गई, तो मालिक को पैसे देने पड़ गए, तो मैंने सोचा क्यों ना मटन बिरयानी खा लूँ, बस उसी ने सब गड़बड़ कर दी, वरना 10 मिनट से ज़्यादा तो मैं लेता ही नहीं। ये क्यों नहीं, बॉस ने क्यों बुलाया, कुछ सीरियस है क्या? नहीं नहीं कुछ सीरियस नहीं, पुदीना रखा खा लिया तो सब साफ हो गया। बॉस सीरियस थे क्या? लग तो रहे थे, उन्होंने भी मटन बिरयानी खाई है क्या? हो सकता है आपको फायर करने वाले हों, आपके डिपार्टमेंट में वैसे भी आजकल फायरिंग वायरिंग ही चल रही है, पर विशेष जी आप टेंशन मत लेना, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे पास है दवाई। कौन सी दवाई? भी तो बताया पुदीन, और आपका ध्यान किधर रहता है विशेष जी, ये सब फायर होने के लक्षण हैं। मैं आता हूँ जरा। For the first time in my career, I am confused. Can you believe? Even I don't know कि आगे क्या आने वाला है। अच्छे दिन आने वाले हैं विशेष, अच्छे दिन आने वाले हैं। और तुम जानते हो अच्छे दिन अपने साथ क्या लाते हैं? अच्छी रातें। Naughty boy. लेकिन मैं वो बात नहीं कर रहा था। Data scientist. Don't say it loud. हम में से किसी की भी नौकरी जा सकती है। आपकी भी बॉस? नहीं, पर मैं ऐसा सबको कहता रहता हूँ ताकि उन्हें बुरा ना लगे। मतलब मेरी नौकरी खतरे में है? Oh, come on, don't be a moron. I mean, तुम मेरे सबसे favorite employee, right? I mean, तुम्हारी wit और creativity ने हमें कितनी problems से निकाला, right? Yes, boss. Right? Right. Good. If you're just right. और जब तक मैं इस ऑफिस में खड़ा हूँ तब तक तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। Anyways, मैंने तुम्हें कहने के लिए बुलाया कि कल से तुम सीधा वीपी को रिपोर्ट करोगे। क्यों बॉस? क्योंकि मैं ये ऑफिस छोड़ के जा रहा हूं। विशेष, एक बात याद रखना, यू नो वक्त आने पर देश के बड़े बड़े लिबरल्स ने भी प्राइम मिनिस्टर को वोट दे दिया था। तुम केजरीवाल समर्थक मत बने रह जाना। मुझे कोई आइडिया नहीं कि डेटा साइंटिस्ट क्या काम करते हैं, पर मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि सारी फ्यूचर जॉब्स डेटा साइंस पर डिपेंड करती है या नहीं, बिकॉज आई लव माई जॉब एंड आई विल नेवर एवर स्विच माई करियर एवर। यार ब्रो, करियर स्विच कर लेते हैं यार। भाई तूने मेरी मिकी माउस वाली चड्डी देखी क्या? नहीं तो यार, मेरी लकी चड्डी थी यार, उसके बिना मैं कैसे जाऊंगा? तो मत जाना यार, मैं बता रहा हूँ दोनों भाई ना डेटा साइंस की फील्ड में घुस जाते हैं। और वो कैसे करेंगे? मुझे पता था तू ये पूछेगा, इसलिए मैंने बनाया है 1-year plan। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम एक डेटा साइंटिस्ट को ढूंढेंगे। भैया डेटा साइंटिस्ट है क्या? नहीं है। डेटा साइंटिस्ट है क्या? वो डेटा साइंटिस्ट है क्या? नहीं है। भैया सुट्टा है क्या? सुट्टा उट्टा नहीं है भैया, डेटा साइंटिस्ट है। स्टेप नंबर 2, फिर हम इसको पालेंगे। और स्टेप नंबर 3, हम इससे डेटा साइंस का ज्ञान लेंगे। फिर स्टेप नंबर 4, तो क्या कहते हो? देखो भाई, मैं तो जा रहा हूं वैष्णो देवी, फिर वहां से जाऊंगा केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, फिर वहां से जाऊंगा दिल्ली। और फिर दिल्ली में जाके लोग क्या करते हैं? रेप। भाई यूपीएससी, लाल बत्ती गाड़ी होगी, जेब में बंदूक होगी, हाथ में पैसा होगा, लाइफ में सिक्योरिटी होगी। अबे पर लाल बत्ती तो बंद हो गई ना। क्या बात कर रहा है, फक अब। एक काम कर, फायर ब्रिगेड में भर्ती हो जा।
Let me guess. आप लगेज लेके आई हैं, आपने चश्मा लगाया हुआ है, आप लड़की हैं और आप हॉट हैं। ओह, आप खत्री जी की भतीजी हैं। उनका फ्लैट सामने वाला है। बाय। स्मूथ। ओ भाई, खत्री की भतीजी तो माल है। क्या बात कर रहा है? यार आज का लाल बत्ती बंद हो गई। एक माल लड़की सामने वाले फ्लैट में रहने आ गई और मेरी मिकी माउस की चड्डी गुम हो गई। भाई मैं बता रहा हूँ, भगवान चाहे ना मैं इस फ्लैट को छोड़ के जाऊँ। फिर अब कहाँ जा रहा है तू? अबे हम भी तो देखें कौन माल लड़के ये खतरी के घर पे। यस हेलो। व्हाट? उसने बोला हेलो। थैंक्स। आई एम मान्या। आई एम विशेष। आई एम सिंगल। वो आपने ऑफिस में? तुम हमारे ऑफिस की हो? मैंने कभी देखा क्यों नहीं। कौन सी प्रोफाइल? डेटा साइंटिस्ट। वो अपने ऑफिस में ये पैम्फलेट लगाया था फ्लैटमेट के लिए। सो इज इट अवेलेबल? यस। नो, पर मैं रहता हूँ यहाँ। पर तू तो बद्रीनाथ जा रहा है ना। आइए कम इन, प्लीज हैव अ लुक। नो इट्स फाइन, जस्ट टेल मी व्हिच विल बी माय रूम। दिस वे। भाई मैं तो चला जाऊंगा, पर एक बात याद रखना। क्या? अच्छे दिन आने वाले हैं। नौकरी चली गई, लाल बत्ती बंद हो गई, लड़की भी विशेष ले गया। अब आप लोग लाइक शेयर और कमेंट नहीं करेंगे तब तो हमें फायर ब्रिगेड में भर्ती होना पड़ेगा। प्लीज सब्सक्राइब टू एनालिटिक्स इंडिया मैगजीन और एपिसोड 2 और 3 जरूर देखिएगा।